अभी मैं देख रहा हूं आप सबके चेहरों पर भी एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही खुशी मैं देख पा रहा हूं। ये खुशी स्वाभाविक भी है, आपने जिस विश्वास के साथ अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को दिल्ली भेजा, उस विश्वास को बढ़ाने वाला एक और काम आपके इस भाई ने दिल्ली में किया है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम यानी विधानसभा से लेकर लोकसभा तक महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, प्रतिनिधित्व बढ़े, ये मोदी की गारंटी। ये सपना वर्षों पहले गुजरात की धरती से हमने मिलकर के देखा था। आज उस संकल्प की सिद्धि के साथ मैं आपके बीच आया हूं। खासकर मैं गुजरात की मेरी बहनों से कहना चाहता हूं, हमेशा की तरह इस बार भी आपने रक्षाबंधन पर मुझे ढेर सारी राखियां भेजी थी और हमारे यहां जब राखी मिलती है तो भाई की तरफ से गिफ्ट देने का भी रिवाज है। मैंने इस बार गिफ्ट पहले ही तैयार कर ली थी लेकिन उस समय बता तो सकता नहीं था। आज मैं ये कह सकता हूं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूरे देश की मेरी माताओं बहनों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मेरी बहनों के अधिकारों की गारंटी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मेरी बहनों के सपनों के पूरा होने की गारंटी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की नारी शक्ति के सामर्थ्य का सम्मान है और ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के विकास की, विकसित भारत की भी गारंटी है। क्योंकि जब महिलाएं बड़ी संख्या में नेतृत्व के लिए आगे आएगी तो देश को आगे जाने से कोई रोक सकता नहीं है। मैं आप सभी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं।